कार मेरे किसान भाइयों, फार्मिंग एसके में एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आज आ गया जोला गांव में आसिफ भाई जी के पास। बहुत ही मेहनती किसान है भाई, और इन किसान की जो खेती है अगर कोई देख ले आके तो उन्हें कहेगा वाकई में ये करते क्या हैं। जैसे कि मैंने हर बार इनकी भाई की वीडियो में बताया कि इतने मेहनती किसान है, और देखो ये इनकी पेड्डी गन्ना है दुबरसी। हाँ जी बिल्कुल, है ना, दुबरसी पेड्डी गन्ना है आसिफ भाई का। और देख सकते हो इन्होंने एक बार ये नुला दी, मतलब पेड्डी गन्ना नुला दी, और फुटाव देख सकते हो कितना शानदार आ रहा है। घास नहीं देखने को कहीं भी, मतलब पहले अपने से पत्ती फैला दी थी आसिफ भाई, भाई, भाई मैंने पत्ती फैलाई थी और फिर से नुला दी थी। 39 बीजों में गया जी, कुछ मैंने फैक्ट्री पहुंचाया बसाना मिल, अच्छा, और क्या नाम है, कुछ मैंने बीजों में दिया जी किसानों। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा नीचे का आपको व्यू दिखाता हूँ कि कितना बढ़िया फुटा भरा पोगो में, रोग नहीं बिल्कुल भी, और घास तो देखने को नहीं मिलने लगा, सारी मुड्डी खुरपो तो नुलवा दी, नुलवाया मतलब जो नुलाने वाले हैं लेडीजे लगा रखे हैं उन्होंने अभी भी, साथ में अपना भी मंडता हूँ जी मैं, अपना आप भी काम करते हैं और साथ में लगे हुए हैं। और देखो जी कितना शानदार कलर आ रहा पेड्डी का, देखो चला जा पेड्डी को। पिताजी और मैं, हम दोनों करते हैं खेती जी, और क्या नाम है, मैंने 9वीं क्लास कर गए और मैंने फिर खेत में लग गया। कितने बीघे जमीन बोरे आप? मैं क्या नाम है, मैं बोरा जी 60 बीघा चक है जी हमारा, 60 बीघे का चक बोरे। हाँ जी, देखो जी 60 बीघे का चक मतलब बोने के बाद खेती, और इतना शानदार प्लॉट करने के बाद जिसमें घास भी ना हो, मतलब इतनी शानदार, जैसा तुम्हारा गन्ना देखो सामने देख सकते हो कितना शानदार गन्ना खड़ा हुआ है। बीज गन्ना छोड़ा हुआ है भाई खेतों में, गन्ना देख सकते हो कम से कम 10-10, 11-11 पर बांध दें ये। और अभी मुझे इनाम मिलता है जी मिल से, मिल से इनाम भी मिलता है हर बार भाई को। और बहुत किसान देख के कहते हैं यार वो गलत है, तुम गलत दिखाते हो, गलत कुछ नहीं, वो देख सकते हो सामने इनका मतलब पौधा ही गन्ना खड़ा हुआ है जो बीज के लिए रोका हुआ है, और बिल्कुल भाई आके देख लेना गन्ना कि हाँ। क्या है भाई, झूठ है? नहीं बिल्कुल, हम बिल्कुल सच बताते हैं, कुछ हमें कोई ऐसा नहीं है, हमें मिल जाएगा बाबू, और सच बताते हैं किसान के लिए। हम भी सोचे हैं कि हमारा सभी किसान भाई का हमारे कैसा गन्ना हुआ है। हाँ। और देखो जी साथ में पेड्डी गन्ना दिखा रहा हुआ, जब जिस टाइम इन्होंने अभी तो छोटा छोटा है ये पेड्डी गन्ना, और नुला दिया इन्होंने इसमें, आपने ये देखो इसमें खाद क्या डाल दिया अभी, इसमें मैंने थोड़ा सा डाई और यूरिया और एक फंगस की पैक पाउडर सा है वो गिरा मैंने नुलाने के बाद, नुलाने के बाद पहले नुलाया उसके बाद डाला, उसके बाद में डाला पानी दे दिया साथ में। हाँ जी। चलो देखो जी किसान भाइयों कितने शानदार इनका मतलब अब तो पेड्डी हो गया, किसानों को मुड्डी नुलानी चाहिए, हल्की हल्की पत्ती गिरनी चाहिए, और जो ऐसी पत्ती है तो बाहर नुलाने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है जी। देखो जी कितना बढ़िया शानदार कलर अदा करने का, छोड़ता हूँ जी मैं तो ये वाले जो पोके हैं छोड़ता हूँ, और किसान भाई तो बहुत से तो एक डब्बे से काट रहे फिर तो बवा रहे, पर मुझे फायदा लगा तो मुझे पोगे छोड़ने वाले में लगा, क्योंकि जो जेठा पोगा होता है वही कामयाब होता है, जो जेठा पोगा जल्दी हो जाता है वो काट लो। किसान भाइयों कितना शानदार इनका प्लॉट खड़ा हुआ है सारा का सारा, देख सकते हो बिल्कुल हरा भरा, बिल्कुल निरोगा, और अभी से ही इन्होंने पेड्डी नुलानी शुरू कर दी, और बिल्कुल भी घास देखने को नहीं, आप देख सकते हो एक घास का आपको कहीं भी एक पेड्डा खड़ा नहीं मिलने लगा एक भी। देखो जी मुड्डी को आपके अब इतनी शानदार पेड्डिया फूट के चलेगी, इतना बढ़िया ब्याह था होगा समय, एक महीने के बावजूद आके देखो तुम मुड्डी में कि तुम चमकने बंद हो जाओ, एक महीने में चमकना बंद हो जाओ, बंद हो जाएगा जी, ये तो बात है। अभी देखो मैंने क्या ना नुलाई करवाई इसकी, गन्ने काटने के 20 ही दिन हुए अभी बस इसकी खेत में से, और देखो लो मुड्डी आपके सामने खड़ी है कैसे फंस गई, इसमें बोर्ड बंद रहा था जी, बोर्ड बंद रहा था इसमें 8 बार बंद रहा था जी, 8 बार बंद रहा था बोर्ड। हाँ जी, और देखो जी पेड्डी भी बड़ी शानदार खड़ी, और बहुत मेहनती किसान है, और देखो सारे आप कहीं भी झुंड देख सकते हो, नंबर डाल दोगे जो किसी किसान भाई को हम जानकारी देते हैं, क्यों देते हैं कि हम भी सोचते हैं कि किसान भाई का हमारे कैसा गन्ना हो, बढ़िया हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे इसलिए खुशी है जी किसान भाई, जैसे मैं मेहनत कर रहा और मैं देख रहा कि भाई मेरा गन्ना ऐसा हो जाए किसान भाई का, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा फोन आवे कि आसिफ भाई तो हमें बहुत बड़े लगे, मैं कोई सोचा मारे मारा होना चाहिए, वो गलत है, जो किसान की मदद करेगा वो किसान है, अन्य किसान नहीं है जी। चलो जी बहुत बढ़िया सोच है आपकी भाई आसिफ भाई, और गन्ना देख सकते हो जी ये भी इनका दुबरसा गन्ना है, सारा नुला दिया खाद गिर दिया, और बिल्कुल शानदार गन्ना खड़ा हुआ है अभी, ये मजदूर मंड रहे इनके साथ में, भैया क्या नाम है, एक भी नुड़ा करो अम्मा जी, और मुझे दिखा आपको मैंने 3 वैरायटी बोई है 14201 और 15023 0247, ये 3 वैरायटी बोई है, और इनका सारा आपके पीछे बो रहा है, देखो आप जो जम रहा है ये 39 बोए, अच्छा ये सारा बो दिया आपने इधर। हाँ जी, देखो जी सारा खेत भाई ने बो दिया, और देखो जी फुटाव इतना जबरदस्त था रहा जिस टाइम इन्होंने पेड्डी नुला दी, और पहले ही खाद दिया इन्होंने भी, अभी तो अल्लाह बड़ा सारा, देखो जी एक झुंडे में कितने पोगे निकल रहे, फुटाव कितना बढ़िया, और पोगे देखो कितने शानदार हैं, ये देखो देख सकते हो इसमें कोई पीछे की बात नहीं, ये देखो कितना बढ़िया और शानदार फुटाव आ रहा सारे पोगे में, एक एक झुंड में 8-8, 10-10 पौधे तो हो ही लिए, ज़्यादा ही होगी, और तभी तो गन्ना दवाई दी थी जी मुझे उन्होंने, दवाई दी थी उन्होंने, क्या नाम है कली गिरी जी मैंने वो तो,
वो मैंने कल गेरी उसमें डाई और यूरिया मिलाकर वो फंगस तो बताया था, तो हरियाणा ने दवाई दी जी मुझे, वो 5 बीघे 2 थैली है जी, 1100 रुपये की उन्होंने एक थैली दी मुझे, 2200 रुपये की 2 थैली एक एक कट गई। तो उन्होंने कह रहे तेरा मुड्डी जब देगा तो ब्याह फूट और तेरा पाती छोड़ी जाएगी। मैं कहला जी मैं रिजल्ट लेकर देखता हूँ। तो उन्होंने कह रहे किसान भाइयों मैं एक बात और बता दूँ, ऐसी भाई जैसी खेती तो यहाँ कोई लेता ही नहीं। आप किसी और का भी गन्ना देख सकते हो, देखो जी ये सामने मैं आपको दिखा रहा हरा भरा खड़ा बिल्कुल प्लॉट, ये देख सकते हो कितना शानदार खड़ा और बिल्कुल ठीक ही नहीं के बराबर में, देखो ये गन्ना ये भी खड़ा, देख लो जी कितना फर्क है, देख सकते हो ये फर्क है दोनों के। तो मेहनत करता देखो जी फल बढ़िया मिलता है। क्या नाम है किसान भाई? नूनी के खेत में रात दिन बड़े रहो, समय समय पे रोग आने से पहले अपने खेत पर देख लेना, हमें स्प्रे मार देनी चाहिए बिल्कुल, चाहे हमें रीतल सुपर कार्टा मिलाकर मारनी चाहिए। ज्यादा नूनी भाई महंगी दवाई में दवाई को लो तो देख कर सोच समझ कर लो कहाँ से क्या है क्या करना, टाइम पे कौन सी कहाँ लगनी। बहुत बढ़िया, किसी भाई जो हमें जानकारी नहीं हम किसी भाई से पूछ ले, किसी किसान भाई को। हाँ एक बात और आसिफ भाई, हाँ। मैं आपका नंबर डाल दूंगा वीडियो पे, किसी किसान भाई को आसिफ भाई से किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो या फिर कोई समस्या हो या भाई कुछ वैसी आ रही हो, भाई का नंबर डाल दूंगा, भाई से आप सीधा कॉन्टेक्ट कर लेना। हम भी चाहते भाई किसी किसान का किसी तरह का कोई नुकसान हो नहीं भाई जी, बहुत से भाई ठीक है स्प्रे गलत लगा किसान की लुटाई तो भाई चारों तरफ है, चारों तरफ है जी बिल्कुल, कहेंगे थे पाप गेर लंगा लुटाई लुटाई किसान के गेहूं में देख लो किसानों को सब गेहूं गिर गया, सारे गेहूं गिर गए, नुकसान बहुत हो गया किसानों का, बहुत ही मतलब नुकसान है भाई, नुकसान तो नुकसान है जो प्रकृति नुकसान हो तो कोई कुछ कर ही नहीं कर सकता। तो ठीक है मेरे किसान भाइयों, अंजन वाली जो स्प्रे है किसान भाई को इसी अंजन वाली से लगवानी चाहिए, जब हमारा गन्ना देखे ज्यादा बड़ा हो गया बंधने का लायक हो गया उस टाइम पर टैंकर पर लगवानी चाहिए। अब जो बढ़िया स्प्रे चल रही है तो वो जो अंजन वाली स्प्रे है पेट्रोल वाली उसी से स्प्रे करनी चाहिए। चलो ठीक है किसान भाइयों, अब जैसा भी किसान भाइयों किसी किसान भाई को ऐसे भाई से बात करनी है कोई भी दिक्कत हो तो भाई से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेना जी, बताऊंगा हम फला टाइम पे फला यूज करनी और फला समय से आपके बताओ हमारे पे संपर्क करो, इंशाल्लाह हम सोचते हैं किसान भाई का हमारे तरह से करना होगा। ठीक है आसिफ भाई जी, नमस्कार। नमस्कार भाई।